Hey guys, welcome back to Kerala Education Center. So guys, आज भी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है हेसेस लॉ। Guys, हेसेस लॉ। Guys, हेसेस लॉ क्या कहता है इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम चलते पीछे। Guys, पीछे का मतलब यहाँ पे घर के पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक में थोड़ा सा पीछे चलते। याद करने की कोशिश कीजिए, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी। मुझे बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यह बताता है कि द हीट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। पूरे यूनिवर्स की जो हीट एनर्जी हो क्या है कॉन्स्टेंट है, ना तो क्रिएट की जाती है ना तो डिस्ट्रॉय की जाती है। ऐसा और कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करने का काम ही करता है हमारा हेसेस लॉ। हेसेस लॉ भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, बट किस तरह से करता है, क्या करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए। हेसेस लॉ हमें क्या कहता है, दैट व्हाट इट इज स्टेटेड दैट द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम वेदर the reaction takes place in one or multiple steps। क्या कहना चाहता है हेसेस लॉ? गाइस, हेसेस लॉ हमें क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। इट इज स्टेटेड दैट द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन और मल्टीपल स्टेप। गाइस मतलब क्या है, हेसेस लॉ हमें क्या बताना चाहता है कि अगर कहीं पे रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप में हो, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा गाइस, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा ये क्या रहेगा गाइस, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा गाइस, कॉन्स्टेंट। सर नहीं समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, चलो ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझने की कोशिश करूंगा, आपको समझने की कोशिश करना है, ध्यान दीजिए। मान के चलिए मेरे पास ए नाम का रिएक्टर है, ए नाम के रिएक्टर ने मेरा बी नाम का प्रोडक्ट बनाया, ए नाम के रिएक्टर में मेरा बी नाम का प्रोडक्ट बनाया। अब ए से अगर मेरा बी बनाया, अगर यहाँ पे रिएक्शन हुई है, ए से मेरा बी बनाया, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी बना, क्रिएट, मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी क्रिएट हुए होंगे, एक तो रिलीज हुई होंगी या फिर अब्सॉर्ब हुई होंगी वाटर रेट में भी, बट यहाँ पे हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुई होंगी। हाँ गाइस, इसका मतलब यहाँ पे कहने का हीट एनर्जी आई होंगी, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी आएगा, है ना। बट ये डायरेक्ट वेस्ट हो गया, ए से मैंने बी बनाया, ये डायरेक्ट वेस्ट हो गया। ओके, अगर मान के चलिए ये डायरेक्ट वेस्ट है, मैंने ए से बी बनाया, अगर मान के चलिए मैंने पहले ए से सी बनाया, सी से मैंने डी बनाया, डी से मैंने ई बनाया और फिर ई से मैंने बी बनाया। क्या क्या गाइस, मैंने ए से सी बनाया, सी से डी बनाया, डी से ई बनाया, ई से बी बनाया। मैं ए से बी एक डायरेक्ट तरीके से बनाया, ये हमारा डायरेक्ट तरीका हो गया एक ही स्टेप में, ये मेरा इनडायरेक्ट तरीका हो गया, इनडायरेक्ट वे से मैंने ए से बी बनाया लेकिन इनडायरेक्ट वे से, बट ये मल्टीपल स्टेप में हो गया, ये मेरा क्या हो गया गाइस, वन स्टेप में हो गया, है ना। तो क्या कह रहा है गाइस, हेसेस लॉ में क्या कहता है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही हो, एक स्टेप में हो या फिर मल्टीपल स्टेप में हो, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो क्या रहेगा गाइस, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब देखिए, अगर ए से बी बनाए डायरेक्टली तो यहां पे कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी है, अगर ए से सी बनाऊंगा तो यहां पे कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी होगा, मान के लिए ये डेल्टा एच1 है, सी से डी बनाऊंगा तो यहां पे कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी होगा तो मान के लिए ये डेल्टा एच2 है, डी से ई बनाऊंगा तो यहां पे कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी होगा तो मान के लिए इसको डेल्टा एच3 देते हैं, और E से जब B बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज इन एंथैल्पी होगा जिसको हम लोग डेल्टा H4 बोलते हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है, मैं उसको एक स्टेप में करूँ या मल्टीपल स्टेप में करूँ, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा एच है ये क्या रहेगा, डेल्टा एच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, मतलब वो एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, वहाँ पे जो टोटल चेंज इन एंथैल्पी रहेगा, जो टोटल चेंज इन एंथैल्पी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, आप एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा हमेशा क्या रहेगा,
कॉन्स्टेंट है ना, तो देखिए यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू समीकरण में चेंज अंतर भी दिख रहा है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट हीट समेशन, क्या कहते हैं इसको कॉन्स्टेंट हीट समेशन, उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा, जो हीट ऑफ हीट रहेगा वो क्या रहेगा उसका समेशन हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। नहीं समझा, एक काम करते हैं आप रियल वाले एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, बट मैंने क्या बोला आप रिएक्शन एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो उसका एंथैल्पी चेंज नहीं होने वाला, क्या रहेगा कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं और देखते प्रैक्टिकली देखते कैसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चलो देखते पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए कुछ किताबों में आपको कैसे भी दिया हो सकता है, ये मैंने अपने हिसाब से बताया। ओके ऐसा यहाँ पे मैंने चार पांच स्टेप में बताया, कई किताबें आपको दो ही स्टेप में बता सकता है, डजंट मैटर, आपको बस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना है। ओके चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 डन, 1 2 3 डन। चलो ठीक है चलो देखते गाइस अब रियल वाले एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला रिएक्शन मेरी वन स्टेप में और मल्टीपल स्टेप में, वहां पे मेरा जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। चलो एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ओके मैं पहले डायरेक्ट वे से मैं कह रहा हूं डायरेक्ट डायरेक्ट वे से हम लोग पहले रिएक्शन बना रहे हैं, मतलब वन स्टेप रिएक्शन देख रहे हैं। जैसे मीथेन है, मीथेन गैस को अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ अगर रिएक्ट करता हूं ओके तो मुझे मिल जाता है दैट इज व्हाट मुझे मिलता है CH2 Cl2 in gaseous form plus twice SCl और जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में जो मेरी चेंज इन एंथैल्पी होती है डेल्टा एच नॉट इसकी वैल्यू है इस वैल्यू इज नथिंग बट -203.3 किलो जूल। कितने गाइस जब मेरी ये रिएक्शन हुई मतलब मीथेन गैस को मैंने जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया मीथेन डाइक्लोराइड और मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, लेकिन इस समय ये जब रिएक्शन हुई मेरे वन स्टेप में तो मेरा जो चेंज इन एंथैल्पी मिला कितना मिला गाइस -203.3 किलो जूल। एक स्टेप में जब मैंने रिएक्शन किया तो मेरा चेंज इन एंथैल्पी कितना है इतना है। एक काम करते हैं इसको मल्टीपल स्टेप में करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो जो आपका चेंज इन एंथैल्पी हो क्या होना चाहिए कांस्टेंट, मतलब एक स्टेप में अगर इसका चेंज इन एंथैल्पी इतना है तो मल्टीपल स्टेप से भी जाऊंगा तो मेरा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये जब मेरा प्रोडक्ट बनेगा तो उसका चेंज इन एंथैल्पी इतना रहना चाहिए। देखते हैं इनडायरेक्ट वे से इसको करने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट वे से करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करेंगे देखिए मैंने क्या किया इनडायरेक्ट वे से, सबसे पहले मैंने क्या किया मीथेन गैस को मैंने सिर्फ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया। ओके यहाँ पर 2Cl2 लिया था मैंने, यहाँ पर सिर्फ पहले क्लोरीन गैस ही लिया। ओके तो मीथेन गैस को मैंने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया तो ये सबसे पहले क्या बना था गैस CH3Cl इन गैसेस फॉर्म प्लस HCl इन गैसेस फॉर्म। ओके और इस समय मेरा जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो चेंज इन एंथैल्पी होता है दैट इज व्हाट डेल्टा H1 नॉट इज इक्वल टू -98.3 किलो जूल। ओके क्या किया मैंने सबसे पहले मीथेन गैस को मैंने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया तो मेरा क्या बना मिथाइल क्लोराइड बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो ये जब मेरा रिएक्शन हुआ तो इस रिएक्शन में मेरा चेंज इन एंथैल्पी कितना हुआ -98.3 किलो जूल। लेकिन मुझे क्या बनाना है मिथिलीन डाइक्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है मिथिलीन डाइक्लोराइड और यहां पे क्या बनाना है मिथाइल क्लोराइड, तो क्या करूं मैं इस मिथाइल क्लोराइड को फिर से क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करूं तो क्या हो जाएंगे मिथाइल क्लोराइड को अगर मैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता हूं ओके तो क्या हो जाएगा दैट इज व्हाट देखते हैं क्या हो जाएगा ये यहां का एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा यहां पे क्लोरीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मिथिलीन डाइक्लोराइड। ओके बन गया ये गैसेस फॉर्म में और यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का HCl क्या बनेगा HCl बन जाएगा है ना गैसेस फॉर्म। और इस समय जो चेंज इन एंथैल्पी होता है इस समय जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो कितना होता है दैट इज व्हाट इसकी वैल्यू है दैट इज व्हाट -104.0 किलो जूल। कितना है गाइस -104.0 किलो जूल। तो देखिए अब मेरा मीथेन से मैंने मिथिलीन डाइक्लोराइड बनाया बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बनाया यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट बनाया, यहाँ पे मेरे ये स्टेप नंबर वन और ये मेरे स्टेप नंबर टू यहाँ पे मेरे रिएक्शन दो स्टेप में, तो मैं उसको एक स्टेप में करूँ या मल्टीपल स्टेप में करूँ जो मेरा चेंज इन एंथैल्पी क्या होना चाहिए कौन सा होना चाहिए मतलब ये मेरे बदलना नहीं चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी कितना होता है इसका ओवरऑल रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं देखते क्या हो जाएगा। ओके तो देखिए ये CH4 इन गैसेस स्टेट ये क्लोर Cl2 गैस ये एक Cl2 गैस क्या हो जाएगा प्लस Cl2 इन गैसेस स्टेट। अब ये CH3Cl और ये CH3Cl क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इधर का लेफ्ट हैंड साइड उधर का राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाता है ना तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा गया देखिए ध्यान दीजिए ये एक बना है व्हाट रिड्यूस CH2Cl2 इन गैसेस फॉर्म प्लस ये कैंसिल क्या हो जाएगा गाइस HCl इन गैसेस फॉर्म। ओके तो जब गाइस मैंने यहां पे नेट रिएक्शन निकाला तो इन दोनों का भी मुझे सम करना पड़ेगा तो डेल्टा H इज इक्वल टू इन दोनों का सम कर देते तो क्या हो जाएगा देखिए इनका सम कर लीजिए तो डेल्टा H1 नॉट प्लस डेल्टा H2 नॉट कितना हो जाएगा इसके वैल्यू देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके तो क्या हो जाएगा ये 3 पॉइंट के बाद वाले वैल्यू को पहले सम करेंगे तो क्या हो जाएगा
थ्री और जीरो कितना जाएगा 3 पॉइंट, 9 और 8 कितना जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएंगे ये 10 और 10 और 0 10, मतलब क्या जाएंगे यहाँ पे आएंगे 0, ये कैरी 1 आ जाएगा 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा माइनस 202.3। देखिए चेंज इन एंथैल्पी वन स्टेप में और चेंज इन एंथैल्पी इन मल्टीपल स्टेप क्या है सेम है, वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब हेसिस लॉ तो यही हमें कहना चाहता है ना कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में करो या मल्टीपल स्टेप में करो उसका जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट हेसिस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।